हाँ जी साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के ट्रिक पंजाबी विच तुहाडा स्वागत करदा हाँ। दोस्तों, कल आपां पंज गुरु कवर हो गए सी, अज आपां नैक्सट गुरु जिहड़े छेवें गुरु ने उन्हां बारे जिहड़े इंपोर्टेंट फैक्ट ने वह आपां अज पढ़ांगे इस वीडियो विच। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपनी जिन्नियां भी टॉपिक दियां बने हुए ने प्लेलिस्टां ना, तुसीं उह चैक कर लिओ, तुहाडे मतलब दे सारे इंपोर्टेंट टॉपिक ने जिहड़े ट्रिक्स नाल समझाए गए ने। ठीक है दोस्तों, तो आपां रीजनिंग की क्लास भी लैके आए थी, तुसीं उहनूं बहुत प्यार दे रहे हो, तो आपां नैक्सट रीजनिंग की अगे क्लास लैके आवांगे तुहाडे लई। ठीक है दोस्तों, तो आपां अज पढ़ांगे गुरु हरगोबिंद जी बारे। ठीक है जी, गुरु हरगोबिंद जी बारे। अपने मूँह चो कई बार गुरु हरगोबिंद सिंह जी भी निकल जाता ना, गोबिंद सिंह जी, वह गोबिंद सिंह जी अपने दसवें गुरु से। ठीक है जी, तो आप अज छेवें गुरुआ बारे पढ़ांगे। ठीक है जी, हुण गुरु अर्जन देव जी तो बाद शहीदी तो बाद उन्होंने बाद आह गुरु हरगोबिंद जी जी जिहड़े ये अपने गद्दी ते बैठे। ठीक है जी, चलो आप करते हैं नैक्सट, आप सारा कुछ इन्हां बारे आप जान लैने। तो ये मेरे हत्थी बनाए नोट्स नेगे, तो इन्हां दी जिहड़ी PDF आ वो थोनू टैलीग्राम ग्रुप च मिल जूगी, तुसी उहदे नाल ज्वाइन हो जाइओ, मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक पा दूंगा। ठीक है जी, चलो आप अज पढ़ते हैं गुरु हरगोबिंद जी बारे। ठीक है जी, तो इन्हों का जन्म से जोड़ा वो होया 1595। ठीक है जी, तो इन्हों के जोड़े ज अपन पूछ सकते हैं कि गुरु हरगोबिंद जी की जोड़े उन्होंने जगह मतलब जितने उन्होंने जन्म होया थी वो जगह का की नाम थी, वह हैगा थी बनाली, है ना, बनाली ये पैंता अमृतसर च, है ना। ठीक है जी, तो हूँ इन्हों के जोड़े माता जी थी वह है गंगा देवी जी, तो इन्हों पिता गुरु अर्जन देव जी। मैं थोड़ा दसिया गुरु अर्जन देव जी तो बाद फिर यह गुरगद्दी तो बैठे थे ना, मतलब गुरु अर्जन देव जी के पुत्र दी गए। ठीक है जी, तो उन्होंने हूँ पिता जी हो गए गुरु अर्जन देव जी। तो हूँ यह गद्दी तो कदों बैठे आ भी अपन पूछ सकते हैं, है 1606। दोस्तों मैं इन्हें है ना, इन्हें जन्मदिन के मैं जो जन्मदिन के जो डेट्स ने ना ईयर, इन्हें मैं ट्रिक्स ता ही लैके आऊँगा कि ये आप हूँ गुरु जी के जो हूँ अपने इन्होंने आह ने इन्हों कानू छेड़खानी करते हैं ना, मतलब आप इन्हों के जोड़े आह ने सन ने आप इन्हों आप इन्हों ट्रिक्स नहीं बना सकते, मतलब तो हमें चंगा भी नहीं लगता है आप इन्हों हो। तो इन्हें हूँ आप पूछ सकते हैं जोड़ा कि मीरी पीरी है जोड़े दो तलवार वो कि गुरु न संबंधित ने ना, वो है ने गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है जी, तो आदि मैं लिखा भी होया जिमें मीरी पीरी दो तलवार छोटे गुरु जी, है ना, एक छोटे गुरु न संबंधित ने छेवें गुरु नाल। तो अगे हैगा हूँ पहला जो अकाल तख्त सीगा, है ना, जिहड़ा आह हरगोबिंद हरगोबिंद जी ने बनाया, है ना, पहला तख्त है जिहड़ा, है ना, अमृतसर विखे उसारी करवाई, यही पहला तख्त है जी हरगोबिंद जी। तो जिहड़े बाकी जो चार तख्त ने जिहड़े वह गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी नाल हो रहे, है ना। ठीक है जी, रिलेटड ने। तो हुण इन्होंने की करया गुरु हरगोबिंद जी ने, इन्होंने लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया, है ना जी। तो हुण जिहड़े हुण इन्होंने की करया जिहड़े अमृतसर दे, है ना, अमृतसर तीगा उहदे आले आले दुआले चारे पासे, है ना, इन्होंने दीवार है ना चारे पासे दीवार खड़ी करी सीगी, दीवारां बणाती थी, है ना। तो हुण इन्होंने की कहा हुण जिवें हुण गुरु अर्जन देव जदों इन्होंने जहंगीर ने उन्होंने शहीदी दी, है ना, मतलब 33 तवी, तो मतलब जो उस तो बाद हुण इन्हां दे भी हुण अपने जिहड़े गुरु जी हरगोबिंद जी, इन्होंने भी सोचा कि बई हुण एवें मतलब भगती नाल, मतलब एवें ईश्वर की भगती नाल नहीं कुछ होना, आपां नूं शस्त्र वगैरह भी रखने चाहिए, है ना, कि आपां नूं अपनी फौज तैयार करनी चाहिए है। तो ही हुण जिहड़े जिन्हां ने हुण आपां गुरु जी नूं अपने जिन्हां ने शहीदी दी थी कि आपां उन्हां दा बदला लै सके, है ना, नहीं तां अपने दे एवें अत्याचार करदे रहणगे। ठीक है जी, तो हुण नवां मोड़ उही आ, नवां मोड़ तो बाद फिर इन्होंने की करया शस्त्र चुक ले, है ना। ठीक है, गुरु गोबिंद अपने पूछ सकते हैं कि पहली बार शस्त्र कदों चुके गए, कि कदों मतलब हथियारों का, पहले तो जोड़े पांच गुरु थे उन्होंने तो अपने कोई हथियारों की गल नहीं सुनी, है ना, ना कोई शस्त्रां की गल, है ना, कि एवं उन्होंने शस्त्र चक ले जाए लड़ पे। तो इस तो बाद आ छेवें गुरु ने इतों ही अपने मतलब जिहड़ियां लड़ाइया ने ना वो शुरू हुई, मतलब। ठीक है जी, तो हुण इन्होंने की सोचा कि हुण कि हाँ भी हुण आपां नूं नवीं सेना भी रखनी पेगी, है ना, जिते विशाल हथियार तो मतलब हथियार मतलब अपने जिहड़े शस्त्र ने, है ना, जिहड़े जिन्हां नाल आपां लड़ांगे कृपाना वगैरह वो आपां नूं रखनियां पैणगियां। ठीक है जी, तो विशाल सेना जरूर रखनी पेगी। तो हुण की होया फिर इन्होंने नवीं नीति अपनाई, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन जो मैं लगता पेपर च 4-5 बार पूछा गया कि नवीं नीति किहड़े गुरु ने अपनाई, है ना, तो ये गुरु हरगोबिंद जी नाल संबंधित आ। हुण ये जो नीति अपनाई गई थी कि फिर सब तो पहला शक पिया कि है इन्हों की माँ जी, है ना, जिहड़े इन्हों की माता सी गंगा नूं, कि है ना, कि इन्होंने नवीं नीति अपनाई, है ना, तो एक जिहड़े भाई गुरदास जी बुढ़ा जी सी, है ना, उन्होंने भी इन्हों शक पिया। ठीक है जी, तो हुण इन्हों जो इन्होंने आह नवीं नीति अपना ली, है ना, तो वह सिट्टा की निकलिया, हुण सिट्टा की निकलिया कि उन्होंने नवीं फौज तैयार कर ली, है ना,
ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰੀ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕੈਦ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 52 ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਢਵਾਉਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਕਾ FLK, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਕਾ ਐੱਫ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਹੋਜੂ, ਐੱਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਜੂਗਾ, ਏ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1634 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ 1634 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ? ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੜਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 700 ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 7000। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੀਤੀ ਚੰਦ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੀਤੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸਤਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਗ ਗਿਆ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਆਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਅਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਘੋੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਹਿਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਹਿਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ,
मतलब 1634 ईस्वी विच होई थी। क्यों आपां नूं ऐ वी पुछ सकदे कि केहड़ी लड़ाई च जिहड़े दो घोड़े थे ओह लै गया थी जहांगीर, है ना, वह दो घोड़े लैके गया थी खो के लै गया थी, वह हैगा जी लहरा की लड़ाई च, ठीक है जी। तो हुण हैगा करतारपुर की लड़ाई, यह हैगा 1635 ईस्वी विच लड़ी गई, ठीक है जी। तो लास्ट लड़ाई है जिहड़ी सब तो मतलब इन्हां दी गुरु हरगोबिंद जी, वह हैगी जी 1635 ईस्वी विच फगवाड़े विच, ठीक है जी। तो हुण इन्होंने की कराया, हुण मतलब ये सारी अपन लड़ाइया कर लिया, तो अपन होर ये जो पॉइंट ने जिम्मे हूँ इन्होंने नवा शहर कितने मतलब इन्होंने भी शहर की मतलब शहर की नींह रखी है ना, मतलब शहर बनवाया इन्होंने पहाड़ पहाड़ी इलाके च। हूँ पहाड़ी इलाके केड़ा शहर है हूँ, वो है कीरतपुर, है ना, थोनों पता ही आ। तो वह इन्होंने मतलब इन्होंने स्थापना की, ठीक है जी, वो शहर की। तो इन्हें की इन्होंने फिर हूँ अपने उत्तराधिकारी किनू बनाया, है ना, इन्होंने हूँ इन्हों की उम्र मतलब इन्होंने की करा अपने जोड़े हूँ जोड़े इन्हों की है ना उम्र रह गई थी, मतलब इन्होंने जो पिछले लास्ट 10 साल की है ना, वो इन्होंने ना भगती चीज़ा गुरु के सिखा के मतलब प्रचार में ही इन्होंने शांतिपूर्ण बतीत करे, ठीक है जी। तो इन्होंने की करा हूँ इन्होंने जोड़े छोटे पोतरे थी ना पोतरे, इन्होंने दो जने मतलब दो उत्तराधिकारी बनाया, एक तो छोटे पोतरे जो हरिराज थी के एक है थे गुरु हरिकृष्ण जी, है ना, उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है जी। तो हाँ हरिराज कौन थे, स्वर्गवासी जो गुरदित्ता जी है ना, वो पुत्र थे, ठीक है जी। तो लास्ट मैं तुम्हें दस दिता, तो लास्ट से जोड़े इन्हें 10 साल की है ना वो कीरतपुर बखाए, है ना, बताए, है ना, शांति के गुरु के प्रचार मतलब शांति नाले गुरु का प्रचार करे, है ना, अपने सिख धर्म का, ठीक है दोस्तों। ये अपने आप अज कर लिया गुरु हरगोबिंद जी, तो कल आप नैक्सट गुरु पढ़ा तो उन्होंने बारे विस्तार। तो मैं सोच रहा कल ना जिहड़े अपने 2-3 गुरु रह गए ना, अपन उन्होंने एक लंबी वीडियो ही सारे आप करा दें, खत्म करवा देंगे। तो फिर आप नैक्सट आप अगे जी इन्हें लड़ाइया ने दूजिया उन्होंने आप विस्तार से लैके आवेंगे थोड़े लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो किदा की लगी तो लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो, तो अपने चैनल में कर लियो तुम सबसक्राइब। तो एक बार हौसला मतलब दो अपना जो है ना एक मिनट अपना जो नैक्सट गुरु वो आप कल कर लेंगे, तो है ना, बाकी तुम कमेंट जरूर कर दियो, तो सबसक्राइब कर लियो दोस्तों। तो वीडियो किदा की लगी वो जरूर दस दौ, तो अपनी जी जिन्हें भी वीडियो बने हैं वो तुम जरूर देख लियो, अपनी प्लेलिस्ट कली कली वीडियो पई है जी थोड़े लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है जी दोस्तों। जो कोई भी टॉपिक की ट्रिक बनाना चाहते हो तो मैं मैसेज कर सकते हो टैलीग्राम से, जो अपने इतने कमेंटा में भी तुम टॉपिक का नाम लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग की क्लास ला लियो तो वह भी थोड़े लिए इंपोर्टेंट आ। तो दोस्तों उन्होंने जिक्र आप मिलते हैं हम नैक्सट वीडियो तक, चलो ठीक है जी, ओके जी।